वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसके एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कल के दिन 12 जुलाई को ये किस तरीके से अपना यहाँ पे हमें टारगेट्स एंड लेवल्स दिखा सकता है। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, ये बहुत ही सही जगह पे ओपन हुआ, आज फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है। तो आज की ओपनिंग इसकी बेस्ट ओपनिंग थी और यहाँ पे देखेंगे जैसे इसने 2899 को यहाँ पे ब्रेक किया है, हमारा पहला टारगेट अचीव किया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद, क्योंकि ये नीचे से आ रहा था, इतना करेक्ट होने के बाद फिर से दूसरा टारगेट भी हमारे यहाँ पे अचीव हो गया है। तो यहाँ पे दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं और ये बहुत ही सही जगह पे इसने क्लोजिंग दिया है। इसमें देखेंगे जितना यहाँ से यहाँ तक की जर्नी थी उसकी 50% यहाँ पे रिट्रेस हुआ और फिर से यहाँ से निकल रहा है। तो अभी यहाँ से ये जो रेंज इसने आज जो इसने ब्रेक किया है, ठीक है, हो सकता है हम लोग को इतना ऊपर की ओर टारगेट फिर से मिले देखने को। तो यहाँ पे अराउंड 60+20-80 रुपीज़ का यहाँ पे रेंज है, तो हम लोग ऊपर आराम से यहाँ से 50-60 रुपीज़ यहाँ से देख सकते हैं एज अ टारगेट। तो अभी चलिए हम लोग कल के लेवल देख लेते हैं, उसके पहले एक बार वनडे टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि वनडे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बनी है। वनडे टाइम फ्रेम पे जैसा यहाँ पे सिचुएशन बना है, बहुत ही सही सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, जब ये यहाँ पे इस तरीके से आ रहा था, मैं बोला था ये इस तरीके से ब्रेक करके नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसको जो टेक्निकली अगर एक बार ये ऐसे ब्रेक करके निकले तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन जाएगा और यहाँ पे रेस्ट हो गया, मतलब यहाँ पे जो फ्रेश बायर्स आके इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो उनको कम प्रॉफिट मिलेगा, तो वो अपनी जो पोजीशन है वो ऊपर वाले साइड पे एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर ये यही बायर्स होते जो नीचे से इसको ऊपर लेके जा रहे होते, ठीक है, तो वो अपनी जब भी उनको प्रॉफिट मिलता और जब भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाता तो अपना प्रॉफिट बुक करते, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर रुक गया तो हमारे लिए बेस्ट चीज़ है। सेकेंडली यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करेंगे, अगर यहाँ पे रुक गया है तो लास्ट स्विंग हमारा क्या हो गया, ये हो गया, इसके पहले लास्ट स्विंग हमारा यहाँ पे था, तो ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे दे रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो इतना हम लोग यहाँ पे 1:2 यहाँ पे देख सकते हैं, मिल सकता है। लेकिन ये अगर इतना रहता तो यहाँ पे 1:2 मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता और हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, इसलिए और अच्छे बायर्स इसमें आएंगे और इसको ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से हमें फिर से बुलिश दिख रहा है और ये अब जब बुलिश बना है तो अभी ये लगभग लगभग 3040 का इसका पहला टारगेट होगा एंड उसके बाद ये 3100 के ऊपर निकलेगा तो हमारे लिए 3250 के आसपास का हमारा इसके लिए दूसरा टारगेट रहेगा। तो अभी हम लोग इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए इसके टारगेट्स एंड लेवल्स क्या हैं उसे देख लेते हैं। तो कल जैसे कि आज की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी दी है, हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन नहीं हुआ तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर ये 2942 को ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो हमें ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो ऊपर के टारगेट्स देखने के लिए हम लोग यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं। तो पहला टारगेट हम लोग को यहाँ देखने को मिलेगा वो 2948 के बाद हमें देखने को मिलेगा 2969। ओके, ये कैंडल का हाई रहेगा, ये है 2962, ठीक है। 2962 का हमारे पास पहला टारगेट ऊपर की ओर रहेगा, जो सेकंड टारगेट ऊपर की ओर रहेगा वो रहेगा 2980 का, ठीक है। 2980 का हमारा दूसरा टॉप टारगेट ऊपर की ओर रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास दो टारगेट हैं ऊपर की ओर, नीचे भी दो टारगेट हैं। नीचे अभी हम लोग टारगेट देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन इस फॉलो कर रहा है, राइट, अगर इस ट्रेंड लाइन को मान लेते हैं यहीं कहीं ओपन हुआ और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इस लेवल को ब्रेक करता है, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये पूरा सपोर्ट जोन है कि नहीं, ये पूरा सपोर्ट जोन है, तो इस लेवल के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो इस लेवल के पास आता है तो अगर हम लोग यहाँ पे लेवल देख लेते हैं, अगर ये ऊपर की ओर से इस लेवल को ब्रेक करता है 2887 के को, अगर नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो नीचे की ओर जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो तो 80 का मिलेगा, ठीक है, 80 का मिलेगा, 78 का मिलेगा। एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग को नीचे की ओर देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 68 का, ठीक है, 68 पे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये सपोर्ट जोन है, तो हो सकता है इसके नीचे जाए लेकिन इससे ज्यादा ये नीचे जाएगा नहीं। अदर ये डिफरेंट सिनारी हो जाएगा, अगर ये यहीं पे ओपन हो गया, इतना गैप डाउन ओपन हो गया तो अलग बात है, ये और नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे आइडियल सिचुएशन मान के चल रहे हैं, फ्लैट ओपन हुआ अगर यहाँ पे तो ये यहाँ पे इतने लेवल के बाद यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है, इन्हीं किसी लेवल के बाद गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ज्यादा नीचे चला जाएगा, तो ये अलग सिनारी हो जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो किस तरीके से बिहेव करेगा। फ्लैट ओपन होता है तो देखेंगे ऊपर की ओर जो हमारे टारगेट्स हैं वो बड़े टारगेट्स हैं यहाँ पे, और नीचे की ओर के जो ये टारगेट्स हैं वो छोटे टारगेट्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ये है कि अभी 2962 के आसपास क्लोजिंग मिला है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये
2910 से लेके 2940 के बीच में कहीं भी ओपन हो, ठीक है, तो चलेगा। हमारे ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर का टारगेट, नीचे के लेवल को ब्रेक करेगा तो नीचे का टारगेट देखने को मिलेगा। अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, ये 2825 का है, ठीक है, तो अगर ये यहाँ से गया है और इसको 50% अगर नीचे भी लेता है तो फिर से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या इस लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, फिर डिसाइड करेगा ये ऊपर जाना है कि नीचे। तो यहाँ से बुलिश दिख रहा है, देखते हैं मंडे कल के दिन ये कैसा परफॉर्म करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, तो कोई भी डिसीजन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में लेना है। थैंक्स।